सब लोग खाना खाइए। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा, आज हम पेट भर के खाना खाएंगे। बहुत शुक्रिया आंटी, बहुत अच्छे। अंकल क्या आपको ये सूप पसंद आया? ये बहुत मजेदार है, खुदा तुम्हें सलामत रखे। हाँ ठीक है ठीक है। और चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। क्या बेटी, क्या मुझे एक और कप मिलेगा? हाँ भाई चाहे जितनी मर्जी लो। फारूक जाओ, मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से, छोड़ दो इसे। बेटा ये ठीक नहीं है, अपने दोस्त के साथ ऐसा मत कर। तुम भी ज्यादा बात मत करो वरना फोन तोड़ दूंगा। बच्चा बहुत तेज है। देखो बेटा ऐसा करो, तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ, तुम्हारी मेहरबानी यार। हामिद से पंगा मत लेना, वो पागल है। वो अभी अभी इस मोहल्ले में आया रहने के लिए, कल उसने यहाँ कुरे को आग लगा दी थी। जब आग बुझाने वाले आए तो उनकी गाड़ी की हवा निकाल। छोड़िए इसकी फजूल बातें, मुझे सूप दीजिए। देखो बेटा ऐसे नहीं होता, ये देखो कितने लोग लाइन में खड़े हुए हैं, तुम्हें इनके पीछे खड़े होना चाहिए। तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हें भी सूप मिलेगा जितना कहोगे। देखो मैं इसमें हाथ डाल के कहूंगा कि तुमने जलाया है। चलो हटो, लाइन में आओ, बाकी सब भी तो लाइन में खड़े हैं ना। तुम्हारे बालों पे थूक दूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हारे बालों में थूक दूंगी। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। चलो आप पीछे जाओ लाइन में, जल्दी। ठीक है आयशा जान, तुम बच्चे से ऐसे क्यों बात कर रही थी? करीम अगर तुम बच्चों की हिमायत करोगे तो वो तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएंगे, अच्छी तरह जानती हूँ मैंने। जैसे तुमने बहुत से बच्चे पाले हों। मैंने कहाँ बच्चों को पाला है, मैं तो अभी खुद बच्ची हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पली बड़ी हूँ इसलिए इस माहौल को अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ, जब भी तुम मुझे कहती हो कि बड़े हो जाओ। हाँ कहती हूँ मगर तुम बड़े होते ही नहीं। देखो कहने को मैं भी कह सकता हूँ कि तुम भी बड़ी हो जाओ, मगर कभी कभार जो तुम बच्चों जैसी हरकतें करती हो मुझे पसंद है, वो बहुत क्यूट है वो। हाँ, हाँ। बस सूप बांटो। हाँ, कौन सा चाहिए आपको? ये वाला दे दे। भाई ये देखे 5 लाख लोगों ने हमारी लाइव स्ट्रीम देखी है, और आयशा तुम कमाल हो। मैं जानती हूँ। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों ने कहा है वो शो करेंगे। कैसा शो फुरकान, ये हमने अपनी खुशी से किया। अरे नहीं भाई मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, मैं सूप की बात कर रहा हूँ भाई, ये लोगों को बहुत पसंद आया है। हाँ 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 बहुत अच्छा है। हमने कमोबेश 100 लोगों को खाना खिलाया है जो कि बहुत अच्छी बात है, मगर मैं सोच रहा था कि ये काम कभी कभार नहीं होना चाहिए। मैं उन केटरिंग वालों से बात करता हूँ वैसे इस बारे में, सारा साल ये काम चलता रहना चाहिए जैसे कि तुमने कहा था। मेरे बाबा को अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए। सर्दियों में अक्सर रात को जानते हो क्या करते थे, यहाँ आसपास के लोगों को इकट्ठा करते थे, उसके बाद सूप बनाते थे, फिर हम सब मिलकर पीते थे। उनकी वफात के बाद ये काम खत्म हो गया क्या? हाँ बिल्कुल, उनकी वफात से पहले ही सब खत्म हो गया। उनके किसी दोस्त ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, मेरे बाबा ने उनकी बात मान ली। उसके बाद बाबा बहुत अजीब से हो गए, पता नहीं क्या हो गया था उन्हें अचानक। वो इसके बाबा के दोस्त थे यार, मजदूर थे और कैसे लोग थे। उसी दोस्त ने बाबा से सब कुछ छीन लिया और नौबत ये आ गई कि हमारा कैफे तक बिकने वाला था। अम्मी लोगों के घरों में काम करने लग गई, बहुत बुरे दिन थे वो। मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक था और इस सब में मेरी तालीम भी अधूरी रह गई। अगर तुम लोगों की चाय खत्म हो गई हो तो मेरे ख्याल में लोगों की मदद की जाए चल के। हाँ ठीक है। चाय कैसी थी, मजे की थी ना? मुझे बता देती तो मैं ले आता। कोई बात नहीं जा, मैं ले आई हूँ ना। इधर आओ नजमा, बैठो मेरे पास, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं यहाँ से शिफ्ट हो रही हूँ। अब ये बात कहाँ से आ गई? हाँ मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम्हारी बीवी छुपकर अपार्टमेंट ढूंढे तो वो ठीक है, मैं कुछ कह दूं तो वो बात गलत है रजा? लेकिन अम्मी ऐसा कुछ नहीं, हमने सिर्फ बात की थी इस बारे में। क्या मतलब हमारी सिर्फ बात हुई है, मैंने तो 2-3 अपार्टमेंट्स देख भी लिए हैं। तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बेटे को लेकर खुद ही यहाँ से जा रही हूँ। अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है, आप इस उम्र में कहाँ जाएंगी, आपने अपनी सारी जिंदगी यहाँ बिताई है और आपकी तो सब सहेलियाँ भी यहीं रहती हैं। रजा इस बात की फिक्र तुम मत करो, जहाँ रहूंगी वहाँ नए दोस्त बन जाएंगे मेरे। और सामान का क्या करना है, पता है सामान ले जाने में कितना खर्चा होता है? मेरा दामाद मेरे लिए घर भी ढूंढ देगा और बाकी भी सब देख लेगा।
हमारे होते हुए वो कैसे देख लेगा? अच्छा तो ऐसी बात है रजा, मुझे ऐसी औलाद की हमदर्दी नहीं चाहिए जो अपनी माँ की पीठ पीछे ऐसे गुल खिलाए। वैसे मैंने क्या गलत सोचा है जो मैं अपने शौहर के साथ अलग रहना चाहती हूँ? ओ मेरे अल्लाह, एक तो घर के सारे कामकाज करती हूँ, ऊपर से कमर भी टूट गई है मेरी कूड़े की बाल्टियाँ उठा उठा के। मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ रजा, जहाँ मुझे आजादी हो। नहीं रहना चाहती मैं और यहाँ पे। हाँ तो सीधी तरह कहो ना कि तुम अकेली रहना चाहती हो, छुटकारा चाहती हो मुझसे, तो कर लो शौक पूरा। ओ रजा, मैं खुद भूखी रही और तुम्हें खाना खिलाया और मैंने नहीं लिए, लेकिन तुम्हें नए कपड़े लेकर दिए और तुम मुझे छोड़ के जाओगे? अम्मी ऐसी बातें मत कीजिए, आपने सारी जिंदगी यहीं गुजारी है और यहाँ पर आपकी सभी यादें हैं अम्मी, और आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपको छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ना अम्मी कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। क्या मतलब ऐसा इरादा नहीं? आप गलत बात कर रहे हैं रजा, आपको तो सिर्फ अपनी माँ अजीज है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं ये घर छोड़ूंगी? नहीं मैं छोड़ूंगी, मैं ये घर छोड़ूंगी ना कि मैं जाऊंगी। देखा ये क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही, क्या हमने ये शो ऑफ के लिए किया था? करीम ये देखो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। इनकी बातों की परवाह मत करो, जितने लोग प्यार करते हैं ना उतने ही लोग हसद करने वाले होते हैं। इंसान का अपने आप को जानना जरूरी है क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने आज जिन लोगों को खाना खिलाया वो हमसे खुश है, हमें उन्हें खुश करना था। इतना मेरे पास। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि लोग ये देखकर खुश बहुत होंगे। तुमने देखा ना लोग गुर्बत और भूख से कितने परेशान हो रहे थे। हाँ बेहतर होगा कि तुम इतनी तवज्जो अम्मी पर दो, वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। बात सुनो करीम, इधर आओ। हाँ आयशा, हमें एक्टिंग करनी है, ओवर एक्टिंग नहीं करनी। देखो मैं जो कहती हूँ तुम्हें वो करना। हाँ तुम्हारी आंखों के गिर्द से हल्के होंगे, मैं मेकअप के जरिए मेरा मतलब है ब्लैक और पर्पल लिपस्टिक से तुम्हारे डार्क सर्कल्स बनाऊंगी। जानते हो पर क्या होगा, एक तो तुम सबको थके थके और अपसेट लगोगे, ऊपर से मैं तुम पे दबाव डालूंगी, ठीक है ना? और सबको ये लगने लगेगा कि तुम एक मजलूम आदमी हो। मतलब मुझे परेशान और थका हुआ लगना चाहिए? मुझे सचमुच ऐसा ना बना देना। जरा ध्यान से, कहीं मुझे डराने धमकाने की और तंग करने की एक्टिंग करते करते तुम सचमुच ऐसी ना बन जाना। यू नो कुछ भी हो सकता है। करीम मेरी बात सुनो, मैं वाकई तुम्हारी आंखों में लगा दूंगी ये। तुम ऐसा नहीं करोगी क्योंकि मेरी आंखें खूबसूरत हैं। तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं, ये किसने कह दिया तुमसे? वो कौन है जिसने तुम्हें इस खुशफहमी में मुब्तला कर दिया? यकीन करो करीम, इससे बड़ा झूठ मैंने आज तक नहीं सुना कि तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं। ये तुम्हीं ने कहा था? कब? मैंने कब कहा था? अरे हाँ सॉरी, मुझे याद आ गया, उस दिन तुम होश में नहीं थी पूरी तरह से। उस दिन के लिए तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने नशे में मेरा ख्याल किया, मगर बार बार याद क्यों करवाते हो? काश कि तुमने जो सब बातें की थी वो याद आ जाए। अच्छा अब थोड़ा करीम आओ, आंखें ऊपर करो। हाँ ये इनर कॉर्नर्स बिल्कुल ठीक हो गया। करीम बेटा जानते हो आज मैंने खुद सैलेड बनाया है, मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है, चलो खाओ शाबाशी से खाओ। आपका बहुत शुक्रिया अम्मी, लेकिन मुझे भूख नहीं है। वैसे बेटा तुम ठीक तो हो? जी मैं ठीक ही हूँ। एक तो मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आती। आपने देखा मोहसिन बाबा, इनके जो दिल में आता है ये वही करते हैं। अब मैं इनसे कहूंगी खाना खाने के लिए, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानेंगे। क्या करूं मुझे तो कुछ बताता नहीं। मैंने कहा करीम खाना खा लो, कहते हैं नहीं खाऊंगा। आयशा बेटी ये सब क्या है, तुम अपने मियां से पूछे बगैर ये सब कैसे कह सकती हो? मेरे ख्याल से सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि आखिर तुम्हारे शौहर का प्रॉब्लम क्या है। करीम बेटा जरा मेरी तरफ देखो, मेरे अल्लाह ये क्या हो गया, तुम्हारी आंखों के गिर्द काले हल्के पड़ गए हैं, क्या तुम सोते नहीं हो मेरी जान? कुछ नहीं हुआ मुझे अम्मी, बस मैं एक दो घंटे सो पाया हूँ। उफ मेरे अल्लाह। बेटा तुम इतनी कम नींद लेते हो, ये अच्छी बात नहीं है। उफ करीम प्लीज खाना खा लो, वरना ये सब सोचेंगे कि शायद ये मेरी वजह से है। करीम थोड़ा सलाद लो, शायद ये सब भूख की वजह से हो रहा है। क्या हुआ तुम्हें, तुम तो खाने के बहुत दीवाने हो। ये सलाद ट्राई करके देखो, ये बहुत टेस्टी है। हाँ हाँ ट्राई करो। चलो मेरा बेटा थोड़ा सा खा लो ना। कोशिश करता हूँ।
भूख तो बहुत ज्यादा लगी है यार, लेकिन खुद पे कैसे काबू रखूं, कैसे संभालूं खुद को। कंट्रोल करीम, कंट्रोल। ये तो लगता है मेरे हलक से नहीं उतरेगा। चलो ऐसा करते हैं, हम दोनों इकट्ठे शुरू करते हैं। हाँ हाँ चलो बेटा, खाना शुरू करो। समीर को देखो कैसे खा रहा है। खाओ खाओ खाओ। नहीं बेटा, भाई को देखो कैसे वैश्यों की तरह खा रहा है, तुम भी थोड़ा खा लो ना। अपनी अम्मी की बात नहीं मानोगे, भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। मैं भूखा रह सकता हूँ अम्मी, पर ये नहीं पता कि कितनी देर। मगर मैं भी क्या करूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कुछ खाने को। तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है बेटा? एक हफ्ते से तुम और आयशा अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ गलत चल रहा है आयशा, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने जो महसूस किया वो सबके सामने कह दिया। ये तुमने खाने के टेबल पे कैसी बातें शुरू कर दी? ऐसी बातें क्या तुम्हें यहाँ करनी चाहिए हुरिया? आखिर तुम प्रेग्नेंट हो। ये बातें सुन के मेरी तो भूख ही खत्म हो गई है। करी अब खाना खा लेना, क्योंकि सब लोग फिर यही समझेंगे कि तुम मेरी वजह से भूखे रहे हो। बाबा जान आप सब लोग अब खाना खाइए, मैं जा रही हूँ। शुक्रिया। बाबा इतना कुछ सहने के बावजूद भी, कोई बात नहीं, आप लोग खाना खाइए अपना। आप लोग चाहे जो कुछ करना है वो करें, मुझे अकेला छोड़ दें बस। उफ मेरे खुदाया। करीम ऐसे नहीं मानेगा, मुझे आयशा से बात करनी होगी। क्या हो गया मेरे बच्चे को? लो हो गया खाना सबका। अरे सब, मैं तो आपकी और आपकी अम्मी की मोहब्बत से तंग आ चुकी हूँ। वो हर बार इसी तरह रोती रहती हैं और आप इस तरह परेशान हो जाते हैं जिस तरह के 5 साल का कोई बच्चा हो। मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। अरे नजमा, तुमने देखा नहीं अम्मी कितनी दुखी हो गई थी? नहीं वो दुखी नहीं थी, वो तो खुश हो रही थी कि उनका दामाद उनको नया अपार्टमेंट लेकर दे रहा है। खुशी से झूम रही थी वो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा छोड़े, करीम से कहें कि हमें भी कहीं पर शिफ्ट करवा दे। तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा। रजा वहाँ रहने में आखिर बुराई क्या है? आप तो यही चाहते हैं कि मैं सारी जिंदगी नौकरानी बनकर रहूं। जरा एक बार सोचिए ना रजा, कि जब हम वहाँ पर जाएंगे तो क्या ठाट होंगे हमारे, हर कोई हमारी तरफ ही देखेगा। नौकर मुझसे कहेगा उठिए ना नजमा मैडम, उठकर चाय पी लीजिए। लेकिन जो मैं सोच रही हूँ वैसा होगा नहीं, क्योंकि नजमा तो राज करने के लिए बनी ही नहीं, नजमा को तो काम करने है नौकरों की तरह। ये कैसी बातें कर रही हो नजमा, उन्होंने भी तुम्हारा साथ दिया है। तो रजा मेरा भी एहसान मानिए जो मैं उनको बर्दाश्त करती हूँ। देखो नजमा, मैं उन्हें आराम के सहारे छोड़कर जा रहा था, मगर अब मुझे उस पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम खुद बताओ वो अकेली कैसे रहेंगी? मैं अपनी अम्मी को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा नजमा। हाँ तो फिर ठीक है, आज से आप भी अकेले ही सोएंगे। ये क्या बात हुई? हाँ जी यही बात है और यही होगा। चलिए उठिए यहाँ से, जाइए कहीं और जाकर सोइए। जाइए, इस घर में रहते हुए आप और मैं एक बिस्तर में नहीं सोएंगे, ये बात अपने जहन में रख लें। आयशा सुनो, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने बेटे के लिए कोई चीज बनाऊं और वो ना कर दे। खालदा मैडम, मैं वही कर रही हूँ जो आपने मुझे करने के लिए कहा। अब वो ज्यादा हो गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने देखा नहीं, उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए हैं। तुमसे नफरत करने के बजाय खुद से नफरत करने लग गया है। अगर बीमार पड़ गया तो? आपको लगता है ना कि वो बीमार पड़ जाएगा? मुझे भी ऐसा ही लगता है। अजीब और गरीब हरकतें करने लगा है वो। रात को सोफे पे लेटा होता है, सुबह कुर्सी पे बैठा होता है। सोने जागने और खाने पीने का उसे कोई होश नहीं रहा खालदा मैडम। वैसे मुझे लगता है हम जो चाहते थे वही हो रहा है, हम ठीक चल रहे हैं शायद। जानती हूँ खालदा मैडम कि आप यकीन नहीं करेंगी, लेकिन सच्चाई यही है। और वो सच्चाई ये है कि मैं करीम की पहली मोहब्बत हूँ और वो मेरी पहली मोहब्बत है, और इस बात का हम दोनों में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जानती है मैं क्यों भूखी रही? क्योंकि करीम ने कुछ नहीं खाया। जो तकलीफ वो महसूस करता है वही तकलीफ मैं भी महसूस करती हूँ। जानते हैं आपके बेटे की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है? जब करीम को मुझ पर गुस्सा आता है तो मुझे खुद पर उससे भी ज्यादा गुस्सा आता है। ये प्यार नहीं तो और क्या है? उसकी खुशी में मैं उससे ज्यादा खुश होती हूँ। मानती हूँ ये सब हमने अपने फायदे के लिए शुरू किया,
लेकिन कब ये ड्रामा करते करते हम दोनों को सच में प्यार हो गया पता ही नहीं चला। खालदा मैडम, आपका प्रॉब्लम कुछ और है। आप पुराने करीम और आयशा देख रही हैं। आज हम बदल चुके हैं। हम दोनों प्यार करते हैं। आज हम इकट्ठे रहना चाहते हैं, मगर आप ऐसा नहीं चाहते। आपके कहने पर हम अलग तो हो जाएंगे, मगर शायद जिंदा ना रह पाए। हाँ, कैसी हो निदा बेटी? आगे ऐस चुड़ैल का फोन सारे फसाद की जड़ यही कमीनी है। खालदा आंटी, दरअसल मैं आपकी वजह से बहुत परेशान थी। आप ठीक हैं और वहाँ पे सब ठीक तो है ना? निदा, करीम परेशान है, दूसरे लफ्जों में टूट गया है वो। प्लीज खालदा आंटी, घबराइए मत। ये हम करीम के लिए तो कर रहे हैं, और फिर ये सब वक्ती तौर पे तो हो रहा है। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहती हो तो मैं ठीक कह रही हूँ खालदा आंटी। आयशा को उसका काम करने दें, करीम के लिए यही बेहतर है। और ये बात तो आप जानती हैं आंटी, के कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ठीक है निदा, हम बाद में तफसील से बात करेंगे। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। आयशा, मैं सोच रही थी कि जो हो रहा है करीम के लिए यही ठीक है। तुम इसी तरह अपना काम करती रहो। जी ठीक है खालदा मैडम, मुझे अब इजाजत दीजिए। क्या यहाँ पे चॉकलेट बिस्किट कुछ भी नहीं है? करीम। हाँ? मैं तो डर गई थी, मुझे लगा कि तुम खाना खा लोगे। अब तुम्हें जवाब मिल गया। हर चीज होने के बावजूद मैंने कुछ नहीं खाया। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा? मुझे तजस्सुस तो है, लेकिन अगर अब तुम मुझे बताओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा शुगर लेवल बहुत बुरी तरह गिर गया। तुम आओ बैठो यहाँ। करीम होश में आओ। यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी बुरी तरह से चिल्लाना पड़ा मुझे। चलो यहाँ बैठो। लेकिन यार मैंने सुबह से सिर्फ वही सूप पिया हुआ है और मुझे चक्कर आ रहे थे टेबल पे बैठे हुए। हाय, यकीन करो मेरे मुंह में पानी आ रहा था सब कुछ देख के। मेरा पसंदीदा खाना मेरे सामने था आयशा, और मैंने बर्दाश्त किया। मैं समझ गई हूँ, तुम यहाँ बैठो, मैं किचन से कुछ खाने के लिए लाती हूँ तुम्हारे। मेरे लिए अगर कोई और चीज नहीं मिलती तो सिर्फ चिकन और दही ले आओ प्लीज। खुदा के लिए मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर मैंने वक्त पे नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है करीम, परेशान मत हो, मैं जाके देखती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज। मेरे पर्स में बिस्किट पड़े हैं, मेरे वापस आने तक वो खा लो। क्या तुम सच कह रही हो? शुक्रिया। हाँ मगर तुम्हें कोई देखना ले, इसलिए जरा छुपा के लाना सबसे। अच्छा ठीक है। ओह मेरे खुदा, डाइट बिस्किट्स हैं ये भी। हुरिया, हुरिया, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये क्या बताने लगा है? बिल्कुल भी घबराना मत हुरिया, खुद को पुरसकून रखना। समीर बताओ क्या कहना है, क्या बताना चाहते हो तुम? मैं बात तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कैसे शुरू करूँ। मैंने इसे कहा था बच्चे का चेहरा नहीं दिखाऊंगी, शायद इसीलिए ईमानदारी दिखाने लगा है। चलो सुन ही लेती हूँ कि आखिर क्या कहने वाला है ये। समीर डार्लिंग, जो भी तुम्हारे दिल में है कह दो, मैं तुमसे सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ और कुछ नहीं। दरअसल बात यह है कि हुरिया मुझे वो एलप चाहिए। इस किस्म की दवा इसको क्यों चाहिए? क्या ये कुछ अरसे के लिए अपने आप को संभाल नहीं सकता? और मांग भी मुझसे रहा है। ओह समीर, क्या करूं तुम्हारा। तो तुम्हें वो दवा चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए? बताओ ना समीर, तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी उस दवा की? दरअसल मुझे नहीं चाहिए, एक दोस्त को जरूरत है, उसके लिए लेनी है। मेरी बात सुनो हुरिया, वो दवा उसे बहुत जरूरी चाहिए।
उसने बहुत इलाज करवाया लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा उसे। अब भी बीमारी पड़ा है बेचारा। और फिर मुझे याद आया, हमने ये दवा करीम को भी यूज करवाई थी और उसे फर्क भी पड़ा था। मेरा दोस्त मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, समीर भाई मेरी मदद करो यार। मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपनी हुरिया से कहूंगा और वो दवा बना देगी। हमारी थोड़ी सी मदद करने से अगर किसी का भला हो जाए तो इसमें क्या बुरा है, दुआएं देगा वो हमें। और मुझे यकीन है मेरी जान, तुम ना नहीं करोगी। कितनी चालाकी के साथ मेरी तारीफ करके मुझसे दवा बनवाना चाहते हो। तुम फिक्र मत करो समीर, तुम्हें तो मैं ऐसी दवा दूंगी कि तुम याद रखोगे। समीर समीर मेरी जान, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। अल्लाह मैं क्या करूं, इस कमबख्त जनान का जब भी मुझे जरूरत होती है ये गायब हो जाती है। एक तो मेरा गला खराब है, ऊपर से चीखें मरवा रही है मुझसे। वैसे 24 घंटे मेरे पास होती है और जरूरत के वक्त दफा हो जाती है कहीं। तुम टेबल के नीचे क्यों छुपी हुई हो, बाहर आओ जरा। बाहर तो बहुत बढ़ चढ़कर बातें सुना रही थी कि अगर मेरे शौहर को भूख न लगे तो मुझे भी भूख नहीं लगती, और यहाँ देखो छुप छुप कर खा रही हो। वहाँ अंदर मेरा बेटा भूखा पड़ा हुआ है और तुम हो के यहाँ खाना ठूस रही हो। लड़की आपने ही तो कहा था ना, करीम के साथ बुरा बर्ताव करो, इसलिए मैंने सोचा कि उसके सामने बैठकर खाना खाऊंगी तो उसे और ज्यादा तकलीफ होगी। मैंने बुरा बर्ताव करने के लिए कहा था, जुल्म करने के लिए नहीं कहा था। और फिर तुम्हें तो करीम से सच्चा इश्क है ना, तो इश्क की आग के साथ साथ भूख की आग में भी चलो। चलो जाओ अपने कमरे में, शाबाश। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं उसके सामने बैठ के खाना ना खाऊं? तुम अभी तक गई नहीं? कहाँ है? जानते हो, मैं फ्रिज से खाना निकालकर तुम्हारे लिए ला ही रही थी कि अचानक खालदा मैडम वहाँ आई और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मत कहो ऐसा। यार ये सच है। तुमने कहना था कि मैं करीम के सामने बैठ के खाऊंगी, उसे तंग करूंगी, सताऊंगी उसे। जानते हो करीम, मैंने उन्हें बिल्कुल यही कहा था। हमारे ख्यालात कितने मिलते हैं। मुझसे हाथ भी नहीं उठाया जा रहा। यकीन करो, मुझे लगता है कि अगर मैं खड़ा हूँगा तो मुझ में चलने की हिम्मत भी नहीं है आज। बहुत कमजोरी है। तो फिर क्या कहते हो, बाहर चले? नहीं नहीं, मेरा दिमाग दही और चिकन पर अड़ा हुआ है। अम्मी खाना बहुत कम पकाती है, मगर उन्हें मेरी कमजोरी पता है, उन्हें मेरी पसंद मालूम है। फिर तो एक ही रास्ता बचता है करीम, या तो किचन में जाके कोशिश कर लो, या फिर सुबह तक सब्र करो और भूखे ही सो जाओ। ओह, बहुत मुश्किल हो रहा था, भूखे पेट सोया ही नहीं जा रहा था। कभी सीधी करवट ले रहा था, कभी उल्टी, और आखिरकार भूख कंट्रोल नहीं हुई तो मैं किचन में आ गया। हाय हाय, देखो बेटा तुम भूखे हो, मैं तुम्हारे सामने खाना नहीं चाहता था मगर मेरी मजबूरी है, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तुम समझते हो ना, इसलिए मुझे ये सब खाना होगा। नहीं बाबा, मैं तो पानी पीने के लिए आया था यहाँ। ओ बाबा, आप खाना खा रहे हैं? हाँ हाँ, आ जाओ बेटा तुम भी। अरे करीम तुम भी खाओ। हाँ हाँ, आ जाओ करीम, तुम भी खाना खा लो हमारे साथ। नहीं नहीं, मैं वो धोखा खा चुका हूँ बहुत बार, इसलिए कुछ और खाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। खाओ खाओ समीर, ये तो देखने में ही बहुत लजीज लग रहा है। चमक उठी है ईमान से बाबा, खुदा नसीब करे। हाँ ये वाकई बहुत लजीज है। समीर तुम ये सब खा लो, वरना ये मैं खा जाऊंगा। दरअसल बात यह है कि 60% लोग लाइक कर रहे हैं और 40% लोग डिसलाइक कर रहे हैं।
बहुत ही फजूल ग्राफ है वैसे ही। क्या बकवास है वैसे ये तो किसी ऐसे बंदे ने सोशल मीडिया एनालिसिस किया है जिसको शायद मैथमेटिक्स की अलिफ बे भी नहीं आती। खैर हम इसको मान लेते हैं। कैमरे पे शूट करने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग बढ़ चढ़कर इस चीज का दिखावा करें। मैंने आप सब लोगों से पहले ही कहा था कि लोगों के सामने हमें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस आयशा, मैंने सब चेक कर लिया है, ये बॉट अकाउंट्स हैं। क्या, कौन से अकाउंट्स? बॉट, रोबोट यानी इंसानों के नहीं। कुछ लोग लोगों का काम खराब करने के लिए पैसा इस्तेमाल करते हैं। सर्विस में चाहे जिसे चाहो जिताओ और हराओ। मेरी तो समझ से बाहर है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसे कमेंट्स देने नहीं चाहिए। वैसे समझने की कोशिश करो आयशा, कुछ लोग पैसे देकर बैड कमेंट्स लिखवाते हैं और बाद में खुद भी बैड कमेंट्स ही लिखते हैं, और कुछ लोग सोच समझ कर अपने जहन का इस्तेमाल करके कमेंट्स लिखते हैं, और उनकी तादाद 60% है जैसा कि तुम सब जानते हो। हाँ, बिल्कुल। कुछ जहनी मरीज इस पर भी पैसा खर्च करते हैं। मत पूछो भाई। एक मिनट, कहीं रिफत अंकल का काम तो नहीं? नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग यहीं बैठिए, मैं अभी आता हूं। मैं इसे खोलता हूं। निदा। हाँ बोलो करीम, क्या हुआ? क्या तुम इस कंपनी से अपना रिस्क नहीं कमाती हो? कहना क्या चाहती हो? ये तुम्हारा ही काम है ना। तुमने रोबोट अकाउंट्स वालों को कितने पैसे दिए जरा बताओ मुझे। मैं तुम्हें डबल देता हूँ ताकि तुम तंग ना करो हमारी कंपनी को। क्या कह रहे हो करीम, दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं जानता हूँ कि तुम सब जानती हो। देखो, जैसा भी तुमने मुझसे कहा कि मैं इस कंपनी से रिस्क कमाती हूँ, तो फिर तुम्हें बताओ मैं ऐसा क्यों करूंगी। और दूसरी बात कि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। मान लो कि तुम्हारा आइडिया फजूल था जो अब काम नहीं कर रहा, और तुम भी ना जो दिल में आया आकर मुझसे कह दिया। मैं इस कंपनी की वफादार हूँ करीम, और सबसे बढ़कर तुम्हारी दोस्त भी। ठीक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं। अरे कादर भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? एक काम से आया हूँ आपके पास। मैं गाहक बन के आया हूँ यहाँ। दरअसल मैं आपके पास फर्नीचर लेने आया हूँ। अब नया घर है, खूबसूरत और काफी बड़ा, लिहाजा मुझे एक सोफा सेट चाहिए, वो भी बहुत महंगे वाला। एक अच्छा सा डबल बेड, इसके अलावा एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल, कुर्सियां और ड्रेसिंग टेबल भी। लेकिन इसमें सबसे अहम जो चीज है वो ये है कि बेड आरामदेह होना चाहिए और बहुत आला होना चाहिए, और मैट्रेस भी आला क्वालिटी का रखिएगा जिस पर लेटकर आराम दे नींद आए। और हाँ कादिर भाई, ये सारी चीजें आपको उस एड्रेस पर पहुंचानी है जो मैं आपको दूंगा, ठीक है? अरे क्यों नहीं भाई, अगर पैसे हैं तो सब खरीद लो। क्या बात कर रहे हैं आप भी कादिर भाई, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी दुकान पर थोड़ी आता, आपसे अच्छी दुकान पर जाकर फर्नीचर कैश ले लेता। अरे जाओ जाओ, निकलो यहां से। कादिर भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? गारंटी चाहिए तो कंपनी से लाकर दे सकता हूँ आपको, आपकी सोच से बड़ी कंपनी है हमारी। देखो चले जाओ यहाँ से, अगर तुम्हें सब खरीदना ही है तो जाकर खरीद लो, जाओ। तो ठीक है, अगर आप मुझसे ऐसे बात करेंगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। मुझे साबरी का मैसेज आया है, देखिए मेरा दोस्त साबरी क्या कह रहा है। बाबा जान, मुझे अगले हफ्ते छुट्टी मिल रही है, अम्मी और आप मुझे मिस तो बहुत कर रहे होंगे, लिहाजा मेरा दोस्त अरहम जो सामान मांगे उसे दे दीजिएगा, वरना मैं छुट्टी पर कहीं और चला जाऊंगा। अगर आपने उसे सामान ना दिया तो हो सकता है मैं यूक्रेन चला जाऊं। अब फैसला आपके हाथ में है बाबा। बेटे से मिलना चाहते हैं तो जो अरहम कहता है वो करें, बाकी की बातें मैं घर आने के बाद आपसे करूंगा इंशाल्लाह। नहीं दूंगा, और तुम भी ये बात अच्छी तरह जानते हो कि मेरा बेटा बिल्कुल गधा है, गधा। क्या कह रहे हैं कादिर भाई आप? मेरा भाई साबरी तो लाखों में एक है, हीरा है हीरा। तो फिर क्या ख्याल है, आप मुझे फर्नीचर देंगे ना? ले लो तुम सब, ले लो, मेरी जान लेनी है तो वो भी ले लो शैतान। शुक्रिया कादिर भाई, ये देखें, ये रही फर्नीचर की सारी लिस्ट और नीचे एड्रेस भी लिखा है। अब जल्दी से पैक करवा कर इस एड्रेस पर पहुंचा दें, बाकी बातें साबरी के आने पे होंगी। और कादिर भाई फर्नीचर जरा पायदार भेजिएगा, जलील ना करवा दीजिएगा मुझे। और याद रहे, ये आउट ऑफ फैशन चीजें मत भेजिएगा, ठीक है ना? वरना मैं एक पैसा नहीं दूंगा आपको। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। समीर साहब, ये डॉक्यूमेंट्स फैक्ट्री से आए थे जिनको डिजिटल करवाना था, क्या ये आपको चाहिए? हाँ ये मुझे चाहिए।
आप कहें तो मैं नहीं डिजिटल करवा दूं। ऐसा करो, जरूरी वाले तुम देख लो, बाकी मैं चेक करके खुद भिजवा दूंगा। अब जाके इन्हें मेरी टेबल पर रख दो और अपना काम करो। जी ठीक है समीर साहब। जाओ। हाँ, आप ले आए समीर भाई। इस्ता बोलो। ध्यान से खाना, ये बहुत तेज असर है। क्या वाकई? हाँ। ये क्या? इसी की जरूरत थी मुझे। ठीक है, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। शुक्रिया समीर भाई। ये क्या? लाओ बहन, बर्तन यहाँ लाओ, सबके लिए ले जा, और चाहिए हो तो बता देना। ये लो बहन, मुझे तुम्हें और देने दो, अपनी बेटियों को मेरा सलाम कहना। हेलो मिस्टर करीम एंड मिसेस करीम, क्या हाल है? खुशामदीद। खुशामदीद जी। सूप की खुशबू तो बहुत लजीज है जी। अगर आपको खुशबू अच्छी लगी है तो हम आपको भी देंगे, लेकिन किसी को फेवर नहीं मिलेगा, सब लाइन में खड़े हो जाएं। जी जी, हम जरूर चखेंगे, लेकिन पहले हम इंटरव्यू कर लेंगे, उससे ज्यादा जरूरी है। जी जरूर। और चाहिए होगा तो बताइएगा। आंटी आपकी तबीयत ठीक तो है ना? वहाँ एक अदील नाम का लड़का खड़ा होगा, वो नजर आ रहा है ना आपको, घुंघराले बालों वाला, उसके पास जाकर अपना नाम लिखवा दे, हमारा डॉक्टर आपको चेक कर लेगा। ठीक है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटी। मैं जो आपको सूप देने जा रही हूँ, ये कौन सूप है? शुक्रिया। दोबारा आइएगा। मिसेस करीम, आपको ये सब करने का आइडिया कहाँ से आया? आयशा एक्चुअली बिजी है, सूप बांट रही है, तो मैं ही जवाब देता हूँ आपको। ये काम आयशा के मरहूम बाप से चलता आ रहा है। अंकल ने अपनी जवानी से ये काम शुरू किया था, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि मोदामो भी इस तरह के सामाजिक कामों में बहुत पेश होती है, इसलिए हमने कोशिश की कि आयशा के खानदान के और हमारी कंपनी के चैरिटी काम अगर मिल जाते हैं तो सबके लिए अच्छा ही होगा। ये मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत से लोगों की मदद होगी, बहुत से लोग खुश होंगे, और हम ये काम किसी दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। आप इनसे ही सवाल करते रहेंगे, मुझसे भी कीजिए ना। ठीक है ठीक है, आपसे पूछते हैं। बताइए बेटा, आपको सूप कैसा लगा? सूप तो बहुत मजेदार है इनका, मगर एक बात है, और नहीं देते। देखो हमारे, अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं तुम्हें एक और बाउल दे देती। नहीं, इसे बाकी लोगों में बांटे, बच गया तो और ले लूंगा। क्या बात की तुमने, इस बात पे हाथ फेंको। अब तुम ऐसा करो, फुरकान भाई के पास जाके खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें आखिर में एक और बाउल दूंगी। मैंने और करीम ने ये फैसला किया है कि हम इस मुहिम को जितनी देर तक हो सका उतनी देर तक चलाएंगे। क्या बात है आयशा, तुम तो छा गई, तो तालियां बजाओ। तो ठीक है मिस्टर मिसेस करीम, हम आपका और वक्त जाया नहीं करेंगे, हम चलते हैं। जी शुक्रिया, हैव अ नाइस डे। एक और दिन खत्म हुआ, बहुत खूब। करीम, मुझे हमाद नहीं मिल रहा, मैंने एक बाउल उसके लिए अलहदा रखा था, क्या तुमने देखा उसे? नहीं मैंने नहीं देखा, जरूर वो बच्चा ले गया होगा, वो काफी शैतान है, मुझे लगता है कि वो उठा के अपने घर चला गया होगा। मुझे खुशी हुई तुम्हें यहाँ देखकर। जब मुझे फिजा ने कॉल की तो मैं यहाँ आ गई, क्योंकि कुछ करने के लिए था ही नहीं। मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्यों ना हम कहीं और चलें? अभी जाना है? अरे भाई हम दोनों जवान हैं, क्यों ना कहीं घूम फिराएं, क्या कहती हो तुम? नहीं मैं यहाँ काम करने आई हूँ। फुरकान साहब मेरी बात सुनेगा प्लीज। तुम क्या कर रहे हो भाई, क्या था वो? मेरा क्या कसूर है भाई, यहाँ हर तरफ लड़कियाँ हैं। ये जगह लड़कियों से भरी है, तो तुम्हें क्या क्या कह रहे हो, पागल हो क्या? हाँ मगर भाई देखो ना कितना अच्छा माहौल है। हम यहाँ पे सूप बांटने आए हैं, तुम्हें एहसास नहीं इस बात का? क्या तुम आज उकाशा के पास नहीं गए? क्या तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं रही? तुम भूल गए हो क्या सब कुछ? उकाशा को मुझ पर यकीन नहीं है, मैं जब भी जाता हूँ वो जानबूझकर मसरूफ हो जाती है और मैं वापस आ जाता हूँ। ऐसा मत कहो, हम दोनों के हालात एक से हैं। आयशा शुरू में ऐसी थी, मगर देखो अब हर चीज ठीक हो गई, हम नॉर्मल कपल हैं। देखो ना अब हम एक दूसरे के साथ हैं। देखो भाई हाँ, क्या ये सही है? ब्रो मैं तुम पे तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन तुम कंट्रोल से बाहर हो रहे हो।
बेहतर होगा कि तुम घर चले जाओ, आसपास कहीं मत देखो, बल्कि सड़क की तरफ देखते हुए निकल जाओ, ठंडे पानी से नहाना और फोन को बंद कर देना, ठीक है ना? ठीक है भाई, कल मिलते हैं। ओके भाई। तलाक की डेट जल्द पता चल जाएगी, बहुत जल्द फैसला हो जाएगा, फिर आयशा को हर कीमत पर ये घर छोड़ना ही होगा। अरे निदा बेटी, वो ऑफिस में तो साथ ही होंगे ना, और फिर आयशा कंपनी के लिए काम भी अच्छा कर रही है। वो सिर्फ काम की हद तक साथ होंगे खालदा आंटी, आप परेशान मत हो। अभी आप आयशा को यहाँ से निकालने का सोचिए, बाद में क्या करना है देख लेंगे। आयशा करीम की जिंदगी से निकल गई तो आपकी परेशानी खत्म। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम लोग ये ठीक कर भी रहे हैं या नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है आंटी, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखो निदा, करीम आयशा से सच्चा प्यार करता है, उसके लिए उसकी आंखों के गिर्द काले हल्के भी पड़ गए हैं, वो आयशा के लिए मर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो उससे रिश्ता खत्म करने के लिए राजी होगा। खालदा आंटी मेरी बात सुनिए, आयशा मक्कार है, उसने करीम को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा रखा है। आपसे झूठ बोला है उसने, और अपने घर वालों से भी झूठ बोला। आप ये नहीं जानती आंटी, वो अपने मुफाद के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, और ये रिश्ता भी दोनों ने अपने मुफाद के लिए कायम किया था। चलो मान लेते हैं कि ये रिश्ता दोनों ने अपने फायदे के लिए कायम किया था, लेकिन अब वो दोनों सच्ची मोहब्बत करने लगे हैं। देखिए आंटी, ऐसा हरगिज़ नहीं है, आयशा कभी भी हार मानने वाली नहीं, बज़ाहिर वो वही करेगी जो हम कहेंगे, लेकिन इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे और ना ही उसे कोई मौका देंगे। ठीक है नहीं देंगे, लेकिन तुम जानती हो ना मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। मेरे लिए सबसे जरूरी है करीम की खुशी, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप तसल्ली रखिए आंटी, मेरे लिए भी सबसे अहम चीज करीम की खुशी और कुछ भी नहीं। आप बस परेशान ना हो। अरे देखो अरहम भी आ गया, कैसे हो बेटा? बताया ना, सूप खत्म होने से पहले नहीं आएगा। आप कैसे हैं अरहम चाचू? मैं ठीक हूँ मेरी जान। सूप पियोगे अरहम? अरे भाभी नहीं चाहिए, मैं मुंह का जायका नहीं खराब करना चाहता। देखा आपने, मैं इसे सूप ऑफर कर रही हूँ और ये आगे से मुझे उल्टा जवाब दे रहा है। अरहम ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, क्या हो गया है? क्या हो गया भाई, मुझे सूप नहीं पीना। तो मत पियो, जबरदस्ती है क्या? क्या हो गया रजा, क्यों भड़क रहे हो इस तरह? इस पे देख नहीं रहे कितना परेशान लग रहा है बेचारा? क्या हुआ बेटा, ऑफिस में किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अम्मी कंपनी में किसी की इतनी औकात नहीं कि आपके बेटे को परेशान कर सके, और किसी की जरूरत नहीं कि मुझसे ऊंची आवाज में बात करे, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो फिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो, ये सूप तो तुम्हारा फेवरेट सूप है ना? हाँ ये तो तुम्हारा फेवरेट है, इसे पीने के बाद बर्तन भी चाटने लगते हो। अब बताओ क्या मसला है, अब बच्चों की तरह जिद छोड़ो और पियो। कोई जबरदस्ती है क्या? ओ मेरे अल्लाह, मुझे सूप नहीं पीना तो नहीं पीना, ये जरूरी तो नहीं कि जो चीज मेरे सामने रखी जाए मैं वैश्यों की तरह खा जाऊं। बकवास बंद करो रजा, आराम से बात करो, पहले ही बहुत परेशान लग रहा है बेचारा। तुम भी ना कोई मौका जाने नहीं देते लड़ाई करने का रजा, मेरे अल्लाह। मारने दे अम्मी, मारिए भाई मुझे मारिए, इसी तरह तुम सब लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ेगी। सब चाहते हैं मैं खामोशी से जुल्म सहूं। जा रहा हूं मैं यहां से। चाचू ये क्या कर रहे हैं? बेटा तुम्हारा चाचू वो करने जा रहा है जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? देखो मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो यहाँ से, बताओ जरा। यानी अब मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकता? तो ठीक है फिर सुन लीजिए सब, मैं अपनी कंपनी के एक दोस्त के फ्लैट में शिफ्ट हो रहा हूँ, आप सबकी टेंशन आज से खत्म हो रही है, ठीक है? अब आप सब इस घर में सुकून से रह सकते हैं, मैं अपने हाथ झाड़कर यहाँ से जा रहा हूँ, आप लोग जो दिल चाहे कीजिए, पार्टी मनाइए, खुशियाँ मनाइए, बस मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। या अल्लाह, हर कोई ये घर छोड़ के जाना चाहता है। रजा उस यकीनन हमारे यहाँ से जाने का प्लान पता चल गया होगा, तभी तो वो यहाँ से हमसे पहले जाने की बात कर रहा है। चुप करो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे, हम सब एक साथ रहेंगे, अलग नहीं रह सकते। हम रह लेंगे अलहदा घर में। काश ये सब देखने से पहले मैं ही मर जाती, तुम्हारे बाबा के पास चली जाती तो रोज रोज की ये लड़ाई से छुटकारा मिल जाता। मेरी औलाद मुझे घर से निकाल दे, इससे तो मर जाना ही बेहतर है। अच्छा अम्मी बस कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। रजा हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, और इस बात से मैं आपको हरगिज़ पीछे नहीं हटने दूंगी।